पिछले वीडियो में हम लोगों ने गूगल फॉर्म में क्यूज़ कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम लोग क्यूज़ में कैसे वीडियो, पिक्चर या GIF डाल के क्यूज़ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, या अपने जो गूगल फॉर्म है उसको कस्टमाइज़ कैसे करें, उसमें अपने स्कूल का वीडियो या स्कूल के फ़ोटोज़ कैसे डालें, उसके बारे में सीखेंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कुछ GIFs, कुछ फ़ोटोज़ पिक्चर्स जो आप डालना चाहते हैं उसको अपलोड कर लीजिए। जैसे मैंने अपलोड किया हुआ है, इसमें ये हमारा एल्बम में आप देखेंगे कि हमने कुछ डाउनलोड किए हैं। जैसे ये पिक्चर्स डाउनलोड किए हमने, ये GIF डाउनलोड किए हैं। तो इस तरह के आप भी GIFs और पिक्चर्स जो हैं, ये वीडियोस हैं, उसको डाउनलोड कर लें। ये आप जब डाउनलोड करके रखें अपने पास, तब आप जैसे हमने पहले भी बताया था कि आप गूगल में जाएं, गूगल में गूगल फॉर्म को टैप करें, गूगल फॉर्म्स, और फिर आप गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस पे जाएं। गो टू गूगल फॉर्म्स, ये मैंने कहा था आपको कि 3 डॉट्स से आप अपनी सेटिंग को चेंज करते हैं। अगर आप को एक्यूज़ बनाना है तो सेटिंग पे जाएंगे आप, तो यहाँ जनरल प्रेजेंटेशन है, यहाँ एक्यूज़ को करेंगे और यहाँ मेक दिस एक्यूज़ करेंगे, यहाँ सेव कर देंगे, ये एक्यूज़ के लिए तैयार हो गया। अब मैं ये कहता था कि कैसे हम अपने इसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, तो ये जो आपका एक आइकन बना हुआ है थीम का, उसे करेंगे। और यहाँ पर चूज़ इमेज है, अब हमें हेडर में कुछ अपने इमेज देने हैं, यहाँ से चूज़ इमेज करेंगे। और यहाँ पे थीम्स भी आएंगे, फ़ोटोज़ भी हैं अपलोड, तो आपको अपलोड करना है। इसमें ब्राउज करके देखेंगे कि आपने जो डाउनलोड किया हुआ है, जो पिक्चर्स आपके फाइल्स में मौजूद हैं, उसमें से आप उसको निकालें, उसको सॉर्ट करें। जैसे हमारे पास ये पिक्चर्स थे, व्हाट्सएप की पिक्चर्स हैं ये, अगर हम लोग डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में ये सब पिक्चर्स हैं हमारी, तो किसी को हम लोग अपने थीम में डाल सकते हैं इसको। अगर आप स्कूल का ही अगर है, कि मैंने आगे इसको ले लिया अपना, ये हमारा उसमें अब वो थीम पे वो हमारा जो हेडर है उसमें ये आ जाएगा। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये मैंने एडजस्ट कर दिया, इसको डन कर दिया। और ये कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसको थीम के कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट के स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट यहाँ पे बेसिक है, आप चाहते हैं कि फॉन्ट चेंज कर दें, प्लेफुल का जो फॉन्ट है वो ले आएंगे, तो फॉन्ट इसमें चेंज होगा। फिर यहाँ आप इसको अप्लाई कर लें, ये आपका हेडर में आ गया। अब अनटाइटल्ड फॉर्म है, इसका नाम चेंज करते हैं, आप इसमें लिख दीजिए GK, आपने GK लिख दिया। अब डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ले सकते हैं, अनटाइटल्ड जो क्वेश्चन हमने बताया था, इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन, जैसे आप इसमें दे सकते हैं कि नेम, फादर्स नेम, या स्कूल, क्लास, कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाएंगे, इसमें क्वेश्चंस ऐड करने के लिए आपको मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चन ऐड करेंगे। मान लिया कि एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं, नेम दिस पिक्चर, एक क्वेश्चन बनाया, नेम दिस पिक्चर, आपने एक क्वेश्चन बनाया। अब चूंकि एक पिक्चर आपको शो करना है, तो यहाँ पर जो आइकॉन दिया हुआ है ऐड पिक्चर का, इसको आप क्लिक करेंगे, फिर आएगा आपके सामने अपलोड, ब्राउज, ब्राउज करेंगे, फाइल में जाएंगे और डाउनलोडेड पिक्चर में जाएंगे आप। अब डाउनलोडेड पिक्चर में आपसे ले लिया, लॉक ले लिया, और ये पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि इसको आपको अगर मल्टीपल चॉइस देंगे इसका, तो उसके लिए आपको लिखना होगा कि इसके कुछ चॉइस देंगे आप। जैसे एक ऑप्शन मैंने लिख दिया इसमें कि ये क्लॉक है, दूसरा ऑप्शन लिख दिया आपने लॉक, तीसरा ऑप्शन लिख दिया आपने की,
इस तरह से और भी ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा तो आप इसको रिक्वायर्ड करेंगे। अब इसमें आपको आंसर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, आंसर सिलेक्ट होगा। इसका मार्क्स अगर आपने 10 दे दिया तो 10 होगा, और इसके आंसर को सिलेक्ट करेंगे तो आपने इसको लॉक को सिलेक्ट कर दिया। अब ये लॉक जब भी टैली करेगा तभी इसको बच्चों को 10 नंबर मिलेंगे। ये डन हो गया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं और इसमें पिक्चर्स डालते हैं। आप चाहें तो इसके बजाय जहाँ पर हमने पिक्चर लिया है ऐड पिक्चर, वहाँ पर GIFs भी ले सकते हैं, इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं, अपना वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब इसको प्रीव्यू देखेंगे, आप यहाँ से आप फिर इसको प्रीव्यू देखेंगे कि आपका कैसा नज़र आएगा। ये प्रीव्यू आपका हो गया, जी के ये क्वेश्चंस आ गए। अब इसमें हम अगर हम टिक करेंगे इसको यहाँ पर लॉक को, और फिर इसको सबमिट करेंगे, तभी आप यहाँ देखेंगे आप कि मुझको मार्क्स मिला है 10 out of 10। तो आई थिंक ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपको फ़ायदा करेगा, ख़ासतौर से बच्चों के लिए जो क्यूज़ हम बना रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आप जो है इस तरह के वीडियोस आप ख़ुद बनाएं और अपने अपना जो ग्रुप है, चाहे वो CRC हो या स्कूल का जो ग्रुप है, उसमें उसको शेयर करें। धन्यवाद।